विराट कोहली या पहले इतना तेज हमें खेलते हुए नजर जितना आज तेज खेलते हुए नजर आया, फिर सिराज भाई T20 वर्ल्ड कप में भाई नाम आया वो आज बेहतरीन परफॉर्मेंस करके, मतलब कि T20 वर्ल्ड कप में जो जो जिस चीज़ का नाम आया वो अपना भाई लोहा मनवाना दिखा रहा है कि भाई हाँ भाई मेरा नाम आया तो किसी वजह से ही आया। सिराज पूरा IPL के अंदर मार का दर है, आज वो दो विकेट उड़ा के ले गया। इस तरह आपको पता है कि सिराज कम बैक कर चुके हैं, दो विकेट उन्होंने लिए, मेरे हिसाब से ये T20 वर्ल्ड कप में अब खतरनाक साबित होंगे क्योंकि इंडिया की टीम ने जो है इसे ऐसे सेलेक्ट नहीं किया, इसे मौका दिया तो वो भी अपनी पीक पे आ चुके हैं। उसके बाद यश दयाल जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 17 साल से RCB जैसी टीम को सपोर्ट करना एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर यह विराट कोहली की कामयाबी है। आज तो RCB कोई टाइटल अपने नाम नहीं कर पाई, MI है वो टोटली फ्लॉप ही जा रही है, ठीक है, लेकिन RCB जो है वो आपको पता है ट्रॉफी एक टीम नहीं जीतनी होती, ठीक है, लेकिन ये कि एंड आप अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, प्लेयर्स की गेम देखने को दिल करें, जिस तरह आज 50+ ने परफॉर्म किया, विराट कोहली ने परफॉर्म किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात कीजिए, RCB जो है वो अपना मैच तो यानी कि जीत चुकी हुई है गुजरात टाइटंस से, क्या कहेंगे RCB के बारे में जो हमें आज विराट कोहली की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिली 50+ की तरफ से, और जो हमें RCB की बॉलिंग देखने को मिली स्पेशली सिराज ने जो आज 2 विकेट लिए, क्या कहेंगे RCB की इस जीत के बारे में, 4 विकेट से जीती RCB। सर ऐसी परफॉर्मेंस जो है, ऐसी टीम जो है हमें चाहिए थी स्टार्ट से लेके अब तक, ऐसी परफॉर्मेंसेस चाहिए थी RCB की तरफ से कि भाई हर टीम को ठोक के रख देते और पता लगता कि भाई कोई जो है वो मैदान में कोई किंग आया था, कोई RCB आई थी, कोई भाई लेजेंड आया था, लेकिन अब इतनी देर के बाद जो है वो कमबैक करना तो ठीक है, फैंस को कहीं ना कहीं जो है वो मरहम मिलेगी क्योंकि 16-17 साल से जो RCB को सपोर्ट कर रहे हैं वो लॉयल फैंस हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा फैंस जो है वो RCB और विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं उनको खुशी मिली है, टूटे दिल को कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून मिला होगा विराट कोहली के चेहरे पर थोड़ी बहुत खुशी देख के, तो आज अच्छा परफॉर्मेंस नजर आई। T20 वर्ल्ड कप का भी आज रंग नजर आया, विराट कोहली या पहले इतना तेज हमें खेलते हुए नजर जितना आज तेज खेलते हुए नजर आया, फिर सिराज भाई T20 वर्ल्ड कप में भाई नाम आया वो आज बेहतरीन परफॉर्मेंस करके, मतलब कि T20 वर्ल्ड कप में जो जो जिस चीज का नाम आया वो अपना भाई लोहा मनवाना दिखा रहा है कि भाई हाँ भाई मेरा नाम आया तो किसी वजह से आया। सिराज पूरा IPL के अंदर मार का दर है, आज वो 2 विकेट उड़ा के ले गया, कोहली की वजह से RCB है जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कोई और इस टीम का सेहरा है या कोई और ऐसा बल्लेबाज है जिसको देखकर लोग RCB को सपोर्ट करते होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसने दुनिया में अपनी धाक बैठाई है, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, दुनिया के दूसरे ममालिक देख लें, हर दुनिया के मुल्क में उसके फैंस मौजूद हैं, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करता है लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, मैदान में आना देखना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जब वो मैदान में आते हैं तो नारे लगना शुरू हो जाते हैं, तो विराट कोहली बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह मुन्ना त्रिपाठी ने भी कहा था कि नारे लग नहीं रहे, वो कहते हैं लगवा नहीं रहा मैं, लग रहे हैं, तो इस तरह का जलवा आपको दिखाई देता है। तो विराट कोहली नो डाउट इज ए ग्रेट प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री, जब तक क्रिकेट का नाम रहेगा मैं समझता हूं कि विराट कोहली को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा, तो हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, जब भी इसकी बल्लेबाजी देखने को मिली है तो बहुत दिल खुश हुआ है। यकीन जाने पाकिस्तान में बैठकर मैं आपको बताऊं, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, मैं बेसिकली मैंने किंग एडवर्ड से ग्रेजुएशन की है, मैं अपने हॉस्टल में जब मैच देखता था यकीन जाने पाकिस्तान RCB की जो बॉलिंग आज हमें नजर आई है, स्पेशली जो सिराज ने बॉल किया, उसके बाद दयाल ने बॉल किया, उसके बाद विजय कुमार ने बॉल किया, क्या कहेंगे इनके बारे में जैसे इन्होंने आज GT का हाल किया। यार देखें मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि बॉलर्स अब जाके एक्टिव हुए हैं सही तरह, क्योंकि आपको पता है IPL के मैच ज्यादा होते हैं, शुरू में हमने देखा सारी टीमों के थे बॉलर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते, लेकिन अब जो है बॉलर पीक पकड़ चुके हैं, आपने देखा होगा पिछले मैच में स्टॉक भी वापस आ चुके हैं अपने फॉर्म, उन्होंने पैसे बराबर किए, अब जो है वो RCB के बॉलर भी पीक पकड़ चुके हैं, सिराज जो मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे सिराज भी अच्छा कमबैक कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब बॉलर्स लगाना शुरू हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है नेक्स्ट टाइम भी हमने कोई अपना जो है वो जगह मजबूत बनानी है। ओवरऑल अगर बात करें तो RCB अच्छा परफॉर्म कर गई, यार मैं स्पेशली खुश हूँ क्योंकि विराट कोहली, मैं आपको बताऊँ विराट कोहली ने ठेका लिया हुआ है एक किस्म का, RCB जानी विराट कोहली की वजह से जाती है और RCB को सपोर्ट भी सिर्फ विराट कोहली की वजह से किया और विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ आप कह सकते हैं कि 50+ भी आप साथ देना उन्होंने स्टार्ट कर दे, वो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर मैं देखूँ तो मैं तो नेक्स्ट टाइम भी RCB को सपोर्ट करूँगा क्योंकि विराट कोहली जब तक RCB में है हम तो सपोर्ट करते रहे, चाहे वो ट्रॉफी विन करे या ना करे, विराट कोहली है तो हम भी। उनकी बॉलिंग पूरी डोमिनेट की है RCB की तरफ से अगर देखा जाए, फिर उसके बाद बैटिंग में देखें मैक्सवेल को लेके आए मुनूस को, वो आज फिर से जो है वो फ्लॉप हो गया, अगर देखें स्टार्ट में हमें लग रहा था कि शायद 10 से 12 ओवर में ये चेज कर जाएंगे, लेकिन जैसे 50+ आउट हुआ फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, हमने कहा लो जी फिर ठुक गया काम उल्टा पड़ गया, लेकिन नहीं, वहां से दनेश कार्तिक आते हैं फिर दूसरे प्लेयर्स आते हैं तो उन्होंने आके थोड़ा सा सहारा दिया और अच्छा मैच जीत गया, लेकिन हम जो चाह रहे थे कि यार अगर
खुशी देनी थी, तगड़ी खुशी दे देते। यही अगर 10 ओवर में चेस कर देते तो मैं कहता तो और जरा चाहता। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा आरसीबी के कैप्टन को और साथ साथ स्पेशली विराट कोहली को, क्योंकि ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी बल्लेबाजी हम देखना चाहते होते हैं जब भी हम स्क्रीन पर क्रिकेट को देख रहे होते हैं। तो ये इस तरह के बल्लेबाज हैं। आरसीबी को तो हर शख्स मैं समझता हूँ कि विराट कोहली की वजह से ही पसंद करता होगा, क्योंकि विराट कोहली का चेहरा, विराट कोहली की जो बल्लेबाजी है वो यूनिवर्सल है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में आपको दिखाई है, तो नो डाउट हर जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला शख्स है वो विराट कोहली की बल्लेबाजी को पसंद करता है। तो नो डाउट आरसीबी विराट कोहली के दम पर ही अब तक अपना जलवा दिखा रही थी। जितने भी मैचेस आप देख लें विराट कोहली आपको नुमाया नजर आया, जितने भी आरसीबी जिन मैचों में भी उभर कर ऊपर आई है या जिन मैचों में उन्होंने डिफीट किया, विराट कोहली वन मैन आर्मी बनकर उभरा है। तो नो डाउट विराट कोहली एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है। और यार देखें आरसीबी नो डाउट जो है वो आईपीएल से बाहर हो चुके, लेकिन अपना जो एंड है वो जो बड़ा अच्छा कर रही है, मतलब नेक्स्ट टाइम सपोर्ट करने को दिल करेगा, फैंस को जो है वो एंटरटेन कर रही है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि एसआरएच जैसी टीम को उसने हराया जो इस आईपीएल में सबसे ज्यादा स्कोर लगाने वाली टीम है। तो बड़ी बात है कि मतलब आरसीबी इस वक्त परफॉर्म कर रही है। स्पेशली बात करनी होगी कि इसमें जो दो तीन लड़के हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जाकर खेले वो परफॉर्म करें। आपने देखा होगा विराट कोहली कंसिस्टेंसली जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद सिराज का अच्छा कमबैक कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक गुड पॉइंट भी हो सकता है। और दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो एमआई देखें आप, एमआई टोटली फ्लॉप जा रही है, मतलब विराट कोहली की 50 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाए। विराट कोहली की 50 तो हम हमेशा चाहते हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि 47-40 इतनी करीब आके कभी आउट ना हो। चलो ठीक है 20-25 पे तो थोड़ा वो इतनी हमें उम्मीदें नहीं होती कि नहीं यार फाफ्ट विराट कोहली की जो है 50 देखेंगे, सेंचुरी देखेंगे, वो बैट को आगे करेगा, शेयर करेगा, तो वो एक अलग जो है वो सीन होता है, खूबसूरती होती है विराट कोहली की। जाहिर बात है पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, तो वो खुश होगा तो फिर जाहिर बात है क्रिकेट को लव करने वाले खुश होते हैं। जैसे कि आरसीबी यानी कि थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर चलती रही है ना, इनकी प्रॉपरली बैटिंग चली ना बॉलिंग चली, लेकिन आज यानी कि वो कहते हैं ना कि डूबता हुआ जहाज फिर से वो आगे दोबारा समुद्र में खड़ा हो गया, यही आपको फील हुआ आरसीबी की परफॉर्मेंस। हमें तो ये लगा कि भाई चिड़िया चौकी खेत, अब क्या फायदा कि ये काश थोड़ी देर में पहले परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती, तो ये अभी जो है आईपीएल की हाइप चल रही है, डबल हाइप हो जाती है और तगड़ी टीमें जो है वो नजर आती है। मुंबई इंडियंस बाहर हो चुकी है और इसके बाद आरसीबी बाहर हो चुकी है, तो यही अगर टीमें बीच में होती तो आज आपको मेरे ख्याल में खुशी मेरे ऊपर डबल नजर आती, मेरे अल्फाज आपको जरा मुख्तलिफ नजर आते। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं अपना कमबैक किया, होपफुली कि नेक्स्ट ईयर जो है वो अपने मैचेस में इसी तरह कमबैक करें। और कहीं ना कहीं मैं ये भी चाहता हूं कि अगले साल मेगा ऑडिशंस होने हैं, तो विराट कोहली मेहरबानी करके अपनी टीम बना लें, रोहित शर्मा और ये दोनों मिलकर अपनी टीम बना लें, मेरे ख्याल में इनको पूरी आईपीएल के अंदर कोई नहीं हरा पाएगा। एमआई है वो टोटली फ्लॉप ही जा रही है, ठीक है। लेकिन आरसीबी जो है वो आपको पता है ट्रॉफी एक टीम ने जीतनी होती, ठीक है, लेकिन ये कि एंड आप अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, प्लेयर्स की गेम देखने को दिल करें, जिस तरह आज 50+ ने परफॉर्म किया, विराट कोहली ने परफॉर्म किया, मतलब यार फैंस तो यही चाहते हैं कि यार प्लेयर के में वो शॉट देखने को मिले, उस लेवल की क्रिकेट देखने को मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे, मैं स्पेशली आरसीबी का फैन हूँ, तो मुझे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि यार आरसीबी जो है वो ट्रॉफी विन नहीं करे, एक विश है कि यार विन करे, लेकिन ये है कि यार परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिले जिसकी वजह से मैं आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ। विराट कोहली वो परफॉर्म कर रहे हैं, 17 साल से आरसीबी जैसी टीम को सपोर्ट करना एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पे यह विराट कोहली की कामयाबी है। ऑल्सो आरसीबी कोई टाइटल अपने नाम नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी, जिस तरह का अंदाज, जिस तरह का खेल विराट कोहली जैसा अजीम बल्लेबाज आपको इस टीम में दिखाता है, तो मानो के लोगों को महसूस ही नहीं होता कि आरसीबी की तरफ से कोई कमी या कोताही आपको देख रहा है। राजस्थान का कोई भी कोई बल्लेबाज अगर स्क्रीन पे आता था तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होती थी जो स्टूडेंट्स हैं, जितना शायकीन क्रिकेट है। जब विराट कोहली आपको स्क्रीन पर दिखाई देता तो यकीन जाने फलक शगाफ आपको नारे सुनाई देते थे, हर तरफ विराट कोहली की गूंज आपको सुनाई देती थी। विराट कोहली की जो किट्स हैं आपको पाकिस्तानी प्लेयर से ज्यादा उनके फैंस नजर आ रहे होते हैं जब भी मैच आप देखते हैं आईपीएल का या इस तरह।